सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में गाइस, जैसा कि देख रहे हो ये मेरे बगल में इतना बड़ा बॉक्स, तो इस बॉक्स में क्या है वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इसको लेने का मेरा करीब एक साल से मन बना रहा था इसे लेने का, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं सभी के लाइफ में, वैसा ही मेरा था। तो इसे सोच रहा था, मन बना रहा था लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहा था, और फाइनली आज मैं इसे मंगवा लिया हूँ। ऑर्डर तो दिया था मैं लगभग 2-3 दिन पहले अमेजोन से दिया था, और आज ये मेरा फाइनली आ चुका है। सो चलिए इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद देखोगे कि इसमें है क्या। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे गाइज, आप ये देखो कितना बड़ा बॉक्स है, और ये जो चेयर है ये ग्रीन सूल कंपनी का है, और बाकी आप वेबसाइट में इसे सर्च कर सकते हो, सारा ईमेल, कॉन्टेक्ट, वारंटी 1 ईयर, बाकी मॉडल सियोल, ग्रीन सियोल। सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। मेड इन इंडिया है ये, और बाकी ये देखो इसके दिस टू चेक असेंबली वीडियो। अच्छा, इसका मतलब कि अगर आप इसे स्क्रीन करते हो तो असेंबली वीडियो आपको निकल के आ जाएगा, जहाँ से आप वीडियो देख के इसे चेयर को सेट कर सकते हो। तो ये पहले ही मैं इसे ओपन कर चुका था, तो चलिए मैं इसे अब जो भी इसके अंदर है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो सबसे पहले गाइस, इस बॉक्स के अंदर आपको एक बेस व्हील मिल जाता है, जो कि ये प्योर मेटल है, और इसको आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, और काफ़ी अच्छा वेट भी है, अराउंड 5 kg के लगभग में है। उसके बाद आपको एक बैग मिल जाता है, जो कि ये देख सकते हो मरून कलर में है, और इसका क्वालिटी और वेट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक सीट है ये देख सकते हो, जो कि ये प्योर लेदर है, देख सकते हो इसका भी वेट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक हाइड्रोलिक, क्या है ये, हाइड्रोलिक पिस्टन मिल जाता है, जो कि ये मेटल भी है, और बाकी ये कैप है देख सकते हो, हाइड्रोलिक कवर जिसे होगा, और बाकी देख सकते हो बस यही सब है। तो सबसे पहले गाइस चलिए मैं इसे सेट करता हूँ। तो देखिए ये हो गया व्हील बेस, और ये हो गया हाइड्रोलिक पिस्टन। तो इसे ये देखो, ये हाइड्रोलिक पिस्टन, तो इसे सबसे पहले इसको यहाँ लगाना होगा। ये है हाइड्रोलिक कवर, इसको यहाँ से इस तरह डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह यहाँ पर कस देना है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये है ये कवर, इसको इस तरह, ये हो गया हमारा व्हील बेस तैयार। अब जो आता है सेकेंड स्टेप में आपको, तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले ये 4 स्क्रू है देख सकते हैं यहाँ पर, इसे ओपन करना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये 4 स्क्रू है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसे मैं खोल लेता हूँ। अब चलिए इस बैग को लगाता हूँ। ये है बैग, इसको लगाने के लिए मुझे इस तरह लगाना होगा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसके साथ ये टूल मिलेगा आपको, ये सब नट खोलने के लिए, इस तरह या नीचे से या ऊपर से ये नट लेता हूँ। अच्छा, ऊपर की साइड सही लगेगा, इस तरह लगेगा। तो आइए लगाते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट चेयर, वाह। अब चलिए गाइस, इसमें मैं डालता हूँ इसको, इसमें देखो ये यहाँ पर आपको होल है, इसमें ले जाएगा, इसमें जाएगा, ये देखो ये आराम से चला जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। और ये देखिए कितना अच्छा से मूव हो रहा है, राउंड राउंड